Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today's lecture is about protein. What are proteins? You define correctly. Complex nitrogenous macromolecules which yield amino acids upon acid hydrolysis. Explanation. Protein, nitrogen containing macromolecule होते हैं, बड़े molecule होते हैं, यानी biopolymer होते हैं, biopolymer. जिन्हें अगर हम hydrolyze करें acid की मौजूदगी में तो hydrolysis पे ये अमाइनो एसिड देते हैं. हर वो मॉलिक्यूल जिसका साइज बड़ा हो उसे आप हाइड्रोलाइज करें और हाइड्रोलिसिस पे वो आपको अमाइनो एसिड दे दे तो वो प्रोटीन कहलाते हैं. एक्सप्लेन हम कुछ यू करेंगे. प्रोटीन लफ्ज ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से निकला. जिसका मतलब है प्राइम इंपॉर्टेंट. तो प्रोटीन का लफ्जी मतलब हुआ कंपाउंड्स ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस. प्रोटीन बने होते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के. कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के. चंद प्रोटीन्स ऐसे हैं जिनमें सल्फर फास्फोरस और मेटल्स भी पाए जाते हैं, लेकिन ये चंद ही हैं. इन्हें इग्नोर करें और इन चारों को कंसिडर करें. प्रोटीन में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज तो फिक्स नहीं होती, लेकिन नाइट्रोजन का परसेंटेज तकरीबन फिक्स रहता है. कितना होता है? 14-16% ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनते हैं और बॉडी के अंदर ढेर सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं. कौन कौन से? प्रोटीन हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं. नंबर वन, हमारी बॉडी का जो नॉन बोनी पार्ट है यानी बोन्स के अलावा जो हिस्सा है वो मोर देन 50% प्रोटीन. प्रोटीन हमारी बॉडी में रेगुलेटर का काम करता है इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स. प्रोटीन हमारी बॉडी के वाइटल पार्ट्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है इन द फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन. ऑक्सीजन को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मायोग्लोबिन. हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं
जिन्हें बायोकेमिकल रिएक्शन तक कहते हैं, उन्हें स्पीड अप करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड एंजाइम्स। प्रोटीन स्टोरेज डेपो है, एक प्रोटीन जिसे फेरिटिन कहते हैं। जब हेमोग्लोबिन टूटता है तो हेमोग्लोबिन में इंपॉर्टेंट चीज होती है आयरन Fe+2। ये फेरिटिन वो प्रोटीन है जो उस Fe+2 को पकड़ता है और उसे बॉडी से एक्सक्रीट होने नहीं देता, और फिर जब हेमोग्लोबिन बनता है तो उसी हेमोग्लोबिन बनाने के लिए ये फेरिटिन फिर से Fe+2 को रिलीज करवाता है। हमारी बॉडी के एक हिस्से से, सपोज मेरे हाथ से यहां तक मेरे शोल्डर तक एक इंफॉर्मेशन में जाना है, केमिकल इंफॉर्मेशन ने मेरे इस हथेली से मेरे इस शोल्डर तक जाना है, तो ये केमिकल इंफॉर्मेशन ले जाने वाला और उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने वाला ये खास किस्म के प्रोटीन होते हैं जैसे फेरीमोन्स कहते हैं। तो ये केमिकल इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, केमिकल इंफॉर्मेशन को ये रिसीव करते हैं। प्रोटीन के बगैर जिंदगी का तस्वर नहीं किया जा सकता। कार्बोहाइड्रेट के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं, लिपिड्स के बगैर जिंदा रह सकते हैं, लेकिन प्रोटीन के बगैर जिंदगी का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। तो दैट्स व्हाई द कंपाउंड्स वर नेम प्रोटीन मींस कंपाउंड्स ऑफ वाइटल। प्रोटीन का दूसरा नाम है लाइफ, जिंदगी। प्रोटीन के बगैर जिंदगी सिरे से पॉसिबल होती ही नहीं। प्रोटीन बनते हैं अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहते हैं, ये थोड़ा सा जरूरी है इस पे तवज्जो दे, जिसमें एक कार्बन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन अमाइनो ग्रुप और चौथा कोई और ग्रुप, इसे आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। आर का मतलब आप जानते हो अल्काइल ग्रुप, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये आर हमेशा ही अल्काइल ग्रुप हो, ये अमाइनो भी हो सकता है, ये कार्बोक्सिल भी हो सकता है, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, तो ये मुख्तलिफ जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उन सब में ये तीन ग्रुप्स का। एक कौन से ग्रुप का NH2 कार्बोक्सिल हाइड्रोजन, सारे अमाइनो एसिड्स में ये तीन ग्रुप कॉमन होते हैं, एक जैसे अमाइनो एसिड एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर आर ग्रुप। ओके, ये कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, क्योंकि इसके साथ ये मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच है। इस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कहोगे अल्फा अमाइनो एसिड। अगर ये मैं यूं लिखूं, NH2 को यहां पे अटैच करूं,
तो ये अल्फा कार्बन क्योंकि इसके साथ मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच है और ये बीटा कार्बन, दिस इज ये पर्टिकुलर अमाइनो एसिड कहलाएगा बीटा अमाइनो एसिड। इसी तरह अगर ये NH2 गेमा कार्बन पे अटैच हो तो ये कहलाएगा गेमा अमाइनो एसिड। प्रोटीन बनाने के लिए अल्फा बीटा गेमा सिग्मा कौन से अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं? ओनली अल्फा अमाइनो एसिड। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन व्हिच अमाइनो एसिड टेक पार्ट, अल्फा बीटा गेमा और ओनली अल्फा अमाइनो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में सिर्फ और सिर्फ अल्फा अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं। ये इस पूरे डिस्कशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये एक है कि प्रोटीन सिंथेसिस में सिर्फ अल्फा अमाइनो एसिड ही इन्वॉल्व होते हैं। ओके, अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर पाए, प्रोटीन सिंथेसिस में कुल 20 अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं। इन 20 अमाइनो एसिड्स में कुछ अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ये अमाइनो एसिड कहलाते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और कुछ हमारे बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होते, उन्हें गिज़ा में लेना जरूरी होता है, प्रेजेंट इन डाइट। वो अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद ना हो, जिन्हें खाना आउटसोर्स से खाना जरूरी हो, उन्हें कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। हाँ, तो अमाइनो एसिड की दो किस्में होंगी, वन इज नॉन एसेंशियल, अदर इज एसेंशियल। नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी के अंदर नहीं होते, उन्हें गिज़ा में लेना जरूरी हो। प्रोटीन सिंथेसिस में ये दोनों किस्म के अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं, और एक प्रोटीन का पूरा स्ट्रक्चर 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, नेमली प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ये देखो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये एक अमाइनो एसिड, ये वही अमाइनो एसिड है, ये यही चीज है, देखिए यही, ये मैंने अल्फा अमाइनो एसिड ही लिखा है। कार्बोक्सिल ग्रुप अमाइनो ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप, ये है ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये तीसरा अमाइनो एसिड, ये आर प्राइम, ये आर डबल प्राइम, ये शो करते हैं कि ये आर ग्रुप मुख्तलिफ हैं, यानी ये मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स हैं। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ कंडेंस होगा, इसका एच और इसका ओ एच आपस में बांड बनाएंगे, क्या बनेगा? वाटर। ये एच और ये ओ एच यहां से निकालेंगे, इन्होंने वाटर बनाया और अब आप ये इसके साथ ये बांड जो कि एक कोवेलेंट बांड है, इसे पेप्टाइड बांड कहते हैं।
अब ये दूसरा अमाइनो एसिड इस तीसरे अमाइनो एसिड के साथ बिल्कुल इसी तरह ही मिलेगा। इसका OH और इसका H, कार्बोक्सिल ग्रुप का OH और अमाइनो ग्रुप का H, ये आपस में मिलेंगे, वाटर बनाएंगे, तो इन्होंने वाटर बना लिया, ये यहां से निकल गए और ये आप इसके साथ मिलाएं, ये कौन सा बांड कहलाएगा? पेप्टाइड बांड यानी कोवेलेंट बांड। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में किस किस्म के फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं? तो आप कहोगे फोर्सेस इन्वॉल्व इन प्राइमरी स्ट्रक्चर विल बी कोवेलेंट बांड। ओके, ये एक लॉन्ग चेन बना, इस लॉन्ग चेन को कहते हैं, मैंने तो तीन अमाइनो एसिड लिखे हैं, ये ढेर सारे अमाइनो एसिड होते हैं, यू कंडेंस हो जाते हैं और ये चेन यू आगे की तरफ बढ़ता है। ये जो लॉन्ग चेन बना, डिपेंडिंग on the nature of this R group, depending on the nature of this R group, ये long chain which is called polypeptide chain, ये लेंथी होता है और इस आर ग्रुप के बेसिस पे इसकी फोल्डिंग हो जाती है और फोल्डिंग के नतीजे में ये लॉन्ग चेन शॉर्ट बन जाता है और जब लॉन्ग चेन शॉर्ट चेन बन जाए तो जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ सेम पॉलीपेप्टाइड चेन। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन वेरियस पार्ट्स, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के मुख्तलिफ पार्ट्स, यानी जैसे ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसका एक पार्ट है ये कार्बोनाइल, और दूसरा पार्ट है सपोज ये अमाइनो ग्रुप। ये NH, ये एक ही चेन के दो हिस्से, कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन और अमाइनो ग्रुप का NH, ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाते हैं, तो जब एक हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन के सामने हो वो एक दूसरे को किन फोर्सेस से अट्रैक्ट करते हैं? वंडरवाल फोर्सेस से, और ये पर्टिकुलर वंडरवाल फोर्सेस कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि अट्रैक्शन हो रही है बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा, तो ये जो अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन इस पॉलीपेप्टाइड चेन को, इस लेंथी चेन को ये वाला शक्ल देगा, देखो ये वाला, इसे
इसे कहते हैं अल्फा हेलिक्स। जबकि ये वाला शक्ल भी दे सकता है, इसे कहते हैं बीटा प्लीटेड। इनमें आपने यू डॉट्स लगा रहे हैं। जहां पे आपने डॉट्स लगाए तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किनके बीच होगी? कार्बोनाइल का, ऑक्सीजन अमाइनो का, हाइड्रोजन। ओके, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि डिपेंडिंग ऑन आर, ये पॉलीपेप्टाइड चेन के मुख्तलिफ हिस्से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो मुख्तलिफ हिस्से कौन से हैं? कार्बोनाइल हैं, अमाइनो हैं। इससे कौन सा शक्ल बनेगा? अल्फा हेलिक्स बनेगा, बीटा प्लेटेड। इसमें आर का क्या रोल है? अगर ये आर बल्कि हो, बड़ा, तो इसका नतीजा ये है, बल्कि आर विल रिजल्ट इन अल्फा हेलिक्स। स्मॉल आर, ये बल्कि ना हो, स्मॉल हो, इट विल रिजल्ट इन बीटा प्लेटेड शीट। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर लॉन्ग चेन प्रोटीन मॉलिक्यूल को शॉर्ट करेगा। शुरू में ये लंबा होगा, जब लंबा है तो लॉन्ग प्रोटीन चेन चेन लेंथी है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको ऐसे स्पाइरल शेप में या प्लीटेड शक्ल में रिड्यूस करेगा। ये जब यू रिड्यूस हो जाए तो अगेन इनमें अट्रैक्शन मुमकिन हो जाती है, और अट्रैक्शन के नतीजे में ये चेन मजीद स्क्वीज हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर जब अट्रैक्शन हो तो साइज मजीद रिड्यूस होगा, उस रिड्यूस साइज को कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में भी एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के मुख्तलिफ हिस्से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन अकर्स बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ अ वन पॉलीपेप्टाइड चेन, एक पॉलीपेप्टाइड चेन के मुख्तलिफ हिस्से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो मुख्तलिफ हिस्से कौन से हैं? वो हैं ये आर, और इसका आर इसके आर को या इसके आर को अट्रैक्ट करता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी अट्रैक्शन हो रही थी बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ अ वन पॉलीपेप्टाइड चेन, और वो कौन से थे? कार्बोनाइल था और NH था। टर्शियरी स्ट्रक्चर में अट्रैक्शन होगी किन के बीच? R of one amino acid with R of another amino acid, और ये जो attraction है ये याद रखना है, this attraction may be ionic bonding, and London dispersion forces. जिसे हाइड्रोफोबिक फोर्सेस भी कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। पहले पॉलीपेप्टाइड चेन लेंथी था, प्राइमरी स्ट्रक्चर बना कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने उसे शॉर्ट करवाया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच हुआ? एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के कार्बोनाइल और अमाइनो के बीच।
वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर मजीद सुकड़ गया, स्क्वीज हुआ, श्रिंक हुआ, किस अट्रैक्शन की वजह से? अट्रैक्शन आयनिक बॉन्डिंग हो सकती है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हो सकती हैं, ये किसके बीच होगी? दैट विल अकर बिटवीन आर ग्रुप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड चेन। अच्छा, फोर्थ स्ट्रक्चर है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। देखिए, टर्शियरी स्ट्रक्चर तक अट्रैक्शन हो रही थी बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन और ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन, अगर ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, नतीजे में जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर को कहोगे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अट्रैक्शन के नतीजे में प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर बन गए। एक पॉलीपेप्टाइड चेन अगर दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन, वो दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन प्राइमरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है, उसके साथ अट्रैक्शन करे, नतीजे में ये जो स्ट्रक्चर बना स्ट्रक्चर को कहेंगे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। यानी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन को अट्रैक्ट करता है, और एक पॉलीपेप्टाइड चेन में जो अट्रैक्शन होती है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये तो एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो चार स्टेप्स में कंप्लीट होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। अब प्रोटीन की क्लासिफिकेशन हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे प्रोटीन की तीन किस्में हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स आर कंजुगेटेड प्रोटीन्स, और डिराइव्ड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन उन प्रोटीन को कहते हैं जिनके हाइड्रोलिसिस से सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड बने, ओनली अमाइनो एसिड। व्हेन हाइड्रोलाइज फॉर एग्जांपल एल्बुमिन, एल्बुमिन यानी एक वाइट अंडे की सफेदी, इन्हें हाइड्रोलाइज करोगे तो हाइड्रोलिसिस पे आपको सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड मिलेंगे, कोई और चीज नहीं। कॉम्प्लेक्स या कंजुगेटेड प्रोटीन्स किसे कहते हैं? ये वो प्रोटीन होते हैं जिन्हें अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो हाइड्रोलिसिस पे ये हमें अमाइनो एसिड्स भी देते हैं,
और साथ में और प्रोडक्ट भी। ये फर्ज करें एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है और इस प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ ये नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच है, केमिकली या फिजिकली जिस भी तरीके से अटैच है। ये मार्कर, ये सफेद रीजन, ये एक प्रोटीन है और इसका ये ढक्कन, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये इसके साथ अटैच है। कैसे अटैच है? फिजिकली, केमिकली, जिस भी तरीके से अटैच हो। ये नॉन प्रोटीन पार्ट कहलाता है प्रोस्टेटिक ग्रुप। इस नॉन प्रोटीन पार्ट की फिजियोकेमिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। जब हम ऐसे प्रोटीन को जिसके साथ प्रोस्टेटिक ग्रुप यानी नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच हो उसे एसिड की मौजूदगी में हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें ये नॉन प्रोटीन पार्ट और इस प्रोटीन के टुकड़े क्या होंगे? अमीनो एसिड होंगे, ये मिलेंगे। एन एग्जांपल ऑफ सच प्रोटीन इज, ऐसे प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कौन से होते हैं? ऐसे प्रोटीन है फॉस्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन में जैसे कि क्रोमोसोम,